तो नमस्कार, कैसे आप लोग। आपका स्वागत है प्रजापति गेमिंग चैनल पर। दोस्तों, आज का यह वीडियो काफी धमाकेदार होने वाला है, अगर आप पबजी गेम खेलते हैं तो। ठीक है, तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप मिनी 14 और M16, ठीक है, M4 नहीं, M16 M16 की बात कर रहा हूं, AWM अगर आप ऑटो पे चलाना चाहते हैं तो आप कैसे चलाएंगे। AWM तो नहीं चलेगा, लेकिन मिनी 14, M16 और SLR हुआ और SKS हुआ, मतलब जो सिंगल टैप में चलती हैं आप उनको ऑटो चला सकते हैं। मतलब काफ़ी कमाल का ट्रिक है, ठीक है। और हम आपको एक चीज़ बता दूं कि आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो यह वीडियो देख चुके होंगे YouTube पे, ठीक है। आज के लगभग 2-3 दिन पहले यह वीडियो डल चुकी है YouTube पे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे टेक्निकल वाले चैनल पे जाएंगे तो 6 दिन पहले मैं यह वीडियो अपलोड करके रखा हूं, ठीक है। तो यह मत सोचना कि भाई मैं किसी का कॉपी करके बना रहा हूं, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था उसके लिए, सॉरी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि भाई आप मिनी 14, SKS, SLR और मिनी 14 को ऑटो में कैसे चलाएंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं, लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, लाइक के बिना कहीं मत जाना। लाइक हम रखते हैं 100 लाइक का, ठीक है। तो 100 लाइक के टारगेट को पूरा करना, लाइक करना, और आप इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि और लोग भी इसके बारे में जान पाए, और आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना। तो चलिए बढ़ते आगे वीडियो में। ओके, तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। आपको जाना है अपने प्ले स्टोर में और आपको सर्च करना है ऑटो क्लिकर, AUTOCLICKER। जैसे आप क्लिक के सर्च करेंगे आपको यह एप्लीकेशन मिल जाएगा, तो आपको इसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। अगर आप इसको सर्च नहीं कर पाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसका लिंक दे दूंगा वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहां से इस एप्लीकेशन को इजिली डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आपको इसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, तो चलिए मैं इसको ओपन कर लेता हूं। तो जैसे आप इसको ओपन करेंगे आपको कुछ परमिशन देना होगा, तो आपको परमिशन दे देना है, ठीक है। परमिशन देने के बाद में आपको जाना है अपने पबजी गेम में, तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूं पबजी गेम में। ओके, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैं पबजी में आ चुका हूं, और मैं आपको लेके चलता हूं ट्रेनिंग मोड में, और मैं आपको दिखा देता हूं यूज करके, ठीक है, लाइव यूज करके मैं आपको दिखा देता हूं। तो यहां से मैं थोड़ा आवाज कम कर लेता हूं। ओके, तो आप देख सकते हैं कि मैं कुछ लूट लेके आ गया हूं, और मेरे पास है मिनी 14, M16, ठीक है। आप देख सकते हैं कि मेरे पास 2 गन है, और यह मैं आपको ऑटो पे चला के दिखाऊंगा, ठीक है, ठीक है, मैं आपको ऑटो पे चला के दिखाऊंगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको उसी एप्लीकेशन में जाना है, ठीक है, जो एप्लीकेशन हमने इंस्टॉल किया था आपको उस एप्लीकेशन में जाना है। उसके बाद में आपको यह जो पहला वाला ऑप्शन है आपको यहां पे टच करना है, ठीक है। टच करने के बाद में आपको कुछ परमिशन देना होगा, तो आपको यहां से परमिशन दे देना है, ठीक है। तो हम इसको परमिशन दे देते हैं, ओके। तो आपको पहले वाले ऑप्शन पे टच करके इसको एनेबल कर देना है, ठीक है, कुछ इस तरह से एनेबल कर देना है। अब आपको जाना है अपने गेम में, ओके, ठीक है। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहां पर एक बिंदु सा आया है, ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहां पर एक बिंदु सा है, तो आपको इसको लेके जाना है अपने फायर वाले सेक्शन पे, ठीक है, आपको अपने फायर वाले सेक्शन पे लेके जाना है। अब चलिए मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मान लीजिए यहां पे एनमी है, ठीक है, ये एनमी है और आप इस पर फायर करना चाहते हैं, तो आपको यहां पर टच करना है, ठीक है, ये जो प्ले वाला ऑप्शन आपको यहां पर टच करना है। जैसे आप टच करेंगे आप देखना, जैसे मैं टच करूंगा अभी आप देखना जादू, तो दोस्तों आपने देखा ऑटोमेटिक पूरा फायर हो गया, ठीक है, एक ही बार टच करने पे ऑटोमेटिक पूरा फायर हो गया, ठीक है। मैं आपको दोबारा करके दिखा देता हूं, और दोस्तों इसमें एक प्रॉब्लम है, अभी मैं आपको दिखा दूंगा क्या प्रॉब्लम है। अगर आप इसको यूज करते हैं इस ट्रिक को, तो आपको वह ऑन करके रखना है, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूं प्ले पर टच करके, ठीक है। अब दोस्तों यहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, अगर आप प्ले पर टच करके, ठीक है, जैसे मैं प्ले कर देता हूं, अगर मैं प्ले पर टच करके इधर उधर करूंगा तो मेरा स्क्रीन काम नहीं करेगा, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं कि मेरा स्क्रीन काम नहीं कर रहा है। तो आपको क्या करना है, जब भी आप फायर करें, ठीक है, जब भी आप फायर करें, मान लीजिए यहां पर बंदा है, तो अब मैं फायर करूंगा, तो आप देख सकते हैं कि काफी कमाल का फायर हो रहा है। लेकिन इसके लिए आपको एक काम करना है, आपको जाना है अपने सेटिंग में,
और आपको अपने जायरो को ऑन कर देना है, ठीक है। अगर आप ऑलवेज ऑन कर देंगे तो काफी अच्छा रहेगा, अगर आप स्कोप ऑन करेंगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर आप ऑलवेज ऑन करके खेलेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। अब मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। अब मान लो अगर मुझे यहां पे फायर करना है तो आप देख सकते हैं, तो मैं मतलब लेफ्ट राइट बहुत ही आसानी से रोटेट कर पा रहा हूं, ठीक है। अगर आप प्ले पर टच कर देंगे उसके बाद में आप रोटेट करेंगे लेफ्ट राइट, तो यह रोटेट नहीं होगा, तो आपको यह चीज ध्यान रखना है, ठीक है। आपको यह चीज ध्यान रखना है, आपको जायरो को ऑलवेज ऑन पे कर देना है, ठीक है। अब दोस्तों यहां पे एक सेटिंग है, मैं आपको सेटिंग दिखा देता हूं। आप देख सकते हैं कि यहां पे 100 है, ठीक है, तो आपको यहां पे 1 कर देना है, ठीक है, 100 को 1 पे कर देना है, उसके बाद में सेव कर देना है। अब दोस्तों यह और तेज फायर करेगा, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं। तो दोस्तों आपने देखा कितना तेज ये फायर कर रहा है, ठीक है। ओके, तो आप इस एप्लीकेशन को कुछ इस तरीके से यूज कर पाएंगे, ठीक है। आपको यही ट्रिक करना है, उसके बाद में आप ऑटो में मिनी 14 को, SKS को, SLR को, M16 को चला पाएंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और इसके बाद एक वीडियो आएगी, अगर आपका पिंग बहुत हाई जा रहा है तो मैं आपको 5 बहुत ही कमाल का तरीका बताऊंगा, इसके बाद वीडियो अपलोड करूंगा, ठीक है। तो आप वह वीडियो जरूर देखना, और आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।